बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं CT89 न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपका दोस्त जुबैर बासित। आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं झेलम से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मुदस्सिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शहीदों और गाजियों की सरजमीन पर आज रेस्क्यू 1 & 2 के शहीद मुख्तार अहमद, जो कि 2020 में शहीद हो गए थे, शहीद तहसील पिंड दादन खान जिला झेलम के रहायशी थे। आज शहीद के 4 बच्चों की यूनिफॉर्म झेलम की समाजी तंजीम राहपुर फाउंडेशन ने शहीद के 4 बच्चों को हर साल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और शूज़ 1 साल में 2 दफ़ा देने का वादा किया है। याद रहे कि राहपुर फाउंडेशन ने तालीम के लिए इलाका के मुस्तहिक बच्चों को किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्कूल शूज़ मुहैया करती है। तंजीम के सरपरस्त आला चौधरी मतलूब हुसैन गुजर की काविज से आज रेस्क्यू 1 & 2 के ऑफिस झेलम में पंजाब इमरजेंसी सर्विस के सीनियर इंजीनियर सईद अहमद के हवाले राहपुर फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर नंबरदार चौधरी यूसुफ इकबाल और चौधरी उस्मान मतलूब, चौधरी यासिर हुसैन, इसके अलावा यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़िले चेयरमैन अब्दुल गफूर चौहान ने अपने हाथ से इंजीनियर सईद अहमद के हवाले की। इस मौके पर बिलाल रजा भी मौजूद थे।